नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। पंक्चुएशन की दूसरी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने पिछली क्लास में 5 पंक्चुएशन साइन की बात की, आज अगले 5 के बारे में बात करेंगे। टोटल 10 पंक्चुएशन साइन पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं। आज जिनके बारे में बात करेंगे वो है मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी विस्मयबोधक चिन्ह होता है वो, फिर कोलन के बारे में, फिर सेमी कोलन, फिर हाइफन, फिर एलिप्सिस के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है भाई? विस्मयबोधक चिन्ह विस्मयबोधक या एक्सक्लेमेशन, जब भी साथियों हम कभी दुख प्रकट करते हैं, कभी दुख प्रकट करते हैं, कभी भय, कभी आश्चर्य, दुख भय आश्चर्य प्रकट जब करते हैं हम, खुशी प्रकट करते हैं, आनंद प्रकट करते हैं, खुशी प्रकट करते हैं, उस समय एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जो आप सभी को पता है ये होता है, इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे अलास, जैसे ओ है, आ है, हरी, हुर्रा, इस प्रकार से ब्रावो, इस प्रकार हाउ फुलिश यू आर, फिर एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग अपन करेंगे। तो विस्मयबोधक यानी एक्सक्लेमेशन चिन्ह का हम दुख भय आश्चर्य आनंद में प्रयोग करते हैं। जैसे ओ हाउ ब्यूटीफुल, इस प्रकार से। तो समझ में आया साथियों मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन विस्मयबोधक। अब बात करेंगे सेमी कोलन। सेमी कोलन क्या होता है? अर्धविराम, अर्धविराम, अर्धविराम का अर्थ है साथियों अल्पविराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना, यानी कि हम अल्पविराम जो कोमा है जब लगाते हैं तो उसका अर्थ होता है रुकना, लेकिन सेमी कोलन का अर्थ होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रुकना। जैसे संयुक्त वाक्य होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्लोज को पृथक करने के लिए जो आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित ना हो, इसलिए भी सेमी कोलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे टुडे वी लव, टुमारो वी हेट, टुडे वी लव। अब इसमें अपन को थोड़ा सा ज़्यादा रुकना है, फिर टुमारो वी हेट, टुडे वी लव, टुमारो वी हेट, इस प्रकार से। भाई जो समपद उपवाक्य होते हैं, समान पदीय उपवाक्य जो एक समान होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित न हो ऐसे वाक्यों को अलग करने के लिए सेमी कोलन का अपन प्रयोग लेते हैं। साथ ही समझ में आया सेमी कोलन, एक वाक्य के जो मुख्य भाग हैं उनको अलग करने के लिए मेन पार्ट से पहले अल्पविराम कोमा का प्रयोग करते हैं। साथ ही समझ में आया सेमी कोलन, समझ में आया। अब आगे चलते हैं अपन। अपन ने बात की अब तक विस्मयबोधक चिन्ह की, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन की, सेमी कोलन की, अब बात करेंगे कोलन की। कोलन क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कोलन। कोलन यानी अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम। साथियों वस्तुओं की गणना करते समय भी इसका प्रयोग करते हैं। वस्तुओं की गणना कैसे? जैसे ओवर बॉडी, मेड अप, फिर इसको लगा देंगे वस्तुएं आएंगी, फिर जैसे वाटर, जैसे अर्थ, फायर एंड विंड, इस प्रकार से। साथ इस प्रकार से वस्तुओं की गणना करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दो विरोधात्मक उपवाक्यों को पृथक करने के लिए, अलग अलग उपवाक्यों को पृथक करने के लिए, जैसे यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, डिवाइडेड वी फॉल, इस प्रकार से। दो अलग अलग हैं
इनको पृथक करने के लिए भी इसका कोलन का अपन प्रयोग करते हैं। अब एलिप्स, एलिप्स क्या होता है? एलिप्स क्या होता है? यह किसी कथन में व्यवधान अथवा अपूर्णता दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य अपूर्ण है तो वो कैसे पता लगेगा? इससे पता लगेगा। जैसे हिज डाइंग स्टेटमेंट वाज देर वाज एन एक्सप्लोजन, फिर उसके बाद ये चिन्ह, इस प्रकार से एलिप्स का प्रयोग करते हैं। जैसे हिज डाइंग स्टेटमेंट वाज, मरते समय उसका स्टेटमेंट था कि देर वाज एन एक्सप्लोजन, वहाँ पर कोई एक्सप्लोजन है, फिर एलिप्स चिन्ह आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? कथन में व्यवधान है, कोई कथन अपूर्ण है, व्यवधान है, इस प्रकार से साथियों। जैसे स्टोन वॉल्स डू नॉट ए प्रिजन मेक, इस प्रकार से। फिर हाइफन, हाइफन का प्रयोग कैसे करेंगे? एक तो 19 से 19 से लेकर 99 तक की काउंटिंग करते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे 33, इस प्रकार से 33, इस प्रकार से। फिर जैसे वन थर्ड, ऐसे टू थर्ड, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। दो संख्याओं को शामिल होने के लिए, दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे 1 to 8, 1857 से 1947, इस प्रकार से हाइफन का प्रयोग करेंगे। विभिन्न शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने में, जैसे मदर इन लॉ, मदर इन ला, इस प्रकार से हाइफन का प्रयोग करेंगे। तो साथियों, आज अपन ने बात की मार्क्स ऑफ एक्सप्लेनेशन की, कोलन की, सेमी कोलन की, हाइफन की और एलिप्सिस की। जो पंक्चुएशन मार्क्स है ये अपना पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।